हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान पे हम लोग करने जा रहे हैं नाइन्थ का पार्ट टू। दोस्तों पार्ट टू ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है दोस्तों, प्योर एनसीईआरटी नोट्स है। आप लोग नहीं विश्वास है तो बुक है तो आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफी पार्ट टू करने जा रहे हैं, पार्ट वन आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट वन इसका डेढ़ घंटा का एपिसोड है, पार्ट टू भी डेढ़ घंटा प्लस एपिसोड होगा दोस्तों। उसके बाद आपको नाइन्थ में एक से लेकर छः चैप्टर दिया गया है। आपका फर्स्ट वीडियो में एक से तीन चैप्टर दिया गया, तीन से छः सेकेंड वीडियो में बनाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग जरूर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नहीं मैसेज कीजिएगा या तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। 83, 40, 45, 57, 49 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो आज का सामाजिक विज्ञान में आज का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, जलवायु है दोस्तों। जलवायु चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग को जलवायु कहते हैं। फिर से देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग को जलवायु कहते हैं। चलिए मौसम पर देखते हैं हम लोग। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं दोस्तों। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान हो गया आपका, वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मौसम में जलवायु का अंतर देखिए। मौसम और जलवायु, मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है लेकिन जलवायु लंबे समय तक नहीं बदल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। मौसम और जलवायु में क्या क्या अंतर है। मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है और जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। चलिए मानसून देखते हैं हम लोग। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ। किससे हुआ दोस्तों, मौसम से, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून शब्द का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, उसे हम लोग मौसम कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। जलवायु देखिए। जलवायु कारक स्थिति है, समुद्र की दूरी है, ऊंचाई है, पवन है, जेट धाराएं। कारक में कौन कौन है, स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पवन है, जेट धाराएं। और ऋतुएं, ऋतुएं में देखिए दोस्तों, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, पीछे हटते मानसून ऋतु। दोस्तों ये ऋतुएं हैं दोस्तों, ऋतुएं चार हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु और पीछे हटते मानसून की ऋतु दोस्तों। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। भारत की जलवायु देखिए। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। चलिए सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं दोस्तों। मौसम में भिन्नताएं देखिए। तापमान, गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री तक पहुंच जाता है जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दोस्तों। द्रास का तापमान कितना, 45 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों। चलिए जलवायु देखिए नापता है इससे दोस्तों। वर्षा देखिए। हिमालय के भागों में वर्षा हिम के रूप में होता है और अन्य भागों में वर्षा के रूप में मेघालय
में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि राजस्थान जैसे इलाके में 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। दोस्तों महाद्वीपीय अवस्था देखिए, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड। दोस्तों गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड। दोस्तों इस प्रक्रिया को महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कारक देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने का कारक है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावय। दोस्तों ये सब जो है ना जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसमें से तीन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, इसलिए इसको पांचों को याद करना। अक्षांश हो गया देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, ऊंचाई हो गया, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागरीय धाराएं हो गया, उच्चावच हो गए। दोस्तों चलिए हम लोग अक्षांश देखते हैं। अक्षांश पर किसी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। दोस्तों अक्षांश ऊंचाई देखिए, ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, तापमान में कमी होगा। दोस्तों समुद्र से दूर देखिए, समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। दोस्तों जैसे समुद्र से दूर होंगे तो समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। चलिए आगे महासागरीय धाराएं देखिए, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। महासागरीय धाराएं में क्या दिया, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम होती है और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। वायुदाब देखिए, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब जो है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। दोस्तों चलिए जेट धारा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जेट धारा क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी पवने होती है। जेट धारा जो होता है दोस्तों, वो क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले पवने पश्चिमी पवने होती है, जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये धारा भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में शीतकालीन वर्षा कराती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके में कैसी वर्षा कराती है, शीतकालीन बारिश वर्षा कराती है। दोस्तों चलिए जेट धारा भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है। जेट धारा दोस्तों भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है और ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होती है। दोस्तों अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र देखिए ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कैसा होता है, ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलते हैं। ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। दोस्तों चलिए एलिनो पर हम लोग देखते हैं। एलिनो एक गर्म जलधारा है। दोस्तों पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। ये पेरू की शीतधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। दोस्तों देखिए एलिनो एक गर्म जलधारा है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीतधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान लेती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से ग्रहण अध्ययन कीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं आने की संभावना रहेगा एग्जाम में। दोस्तों मानसून का आगमन और वापसी देखिए, 9th का ये ज्योग्राफी है। मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। यह समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है। इसके आने के समय वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। इसे मानसून प्रपोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून प्रपोष्ठ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जून के
पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है केरल से दोस्तों। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है और बंगाली खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों। बंगाली खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे बढ़ती है। जून के पहले हफ्ते में यह असम पहुंच जाती है और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवन पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। मध्य जून तक अरब सागर की शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है और अरब सागर शाखा बंगाली खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। चलिए, दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है जुलाई के प्रथम सप्ताह में दोस्तों। देखिए, मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है। क्या बोला, मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के ऊपरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। जलवायु देखिए, आ गया मानसून, बारिश हो रहा है। मानसून का फटना दोस्तों, अचानक ही कई दिनों तक तो वर्षा का लगातार होना प्रचंड रूप रखना मानसून का फटना कहलाता है दोस्तों। मानसून हवाएं देखिए, वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। वर्षा ऋतु में जो है ना, भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं दोस्तों। मानसूनी हवाओं का विभाजन देखिए, मानसूनी हवाओं दो भागों में बांटा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक फर्स्ट भाग हो गया दोस्तों, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून दूसरा भाग। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग देखते हैं। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के उत्तर की ओर बढ़ता है। यह मानसून जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है दोस्तों। देखिए, ये मानसून पवन जून के सितंबर माह में बढ़ती है। ये पवन देशव्यापी वर्षा कराती है। उत्तर पूर्वी मानसून देखिए, यह मानसून उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ता है। ये पवन अक्टूबर नवंबर के माह में चलती है। ये पवन तमिलनाडु में वर्षा कराती है उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों। ऋतुएं देखिए, भारत में मुख्यतः चार ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु देखिए, शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होता है। फिर ग्रीष्म ऋतु देखिए, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु दोस्तों जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर है दोस्तों। शीत ऋतु देखिए, शीत ऋतु यह मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत में उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंड महीने होता है। शीत ऋतु का दोस्तों दक्षिण में औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जबकि उत्तर भारत में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ऋतु में देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होते हैं और आसमान साफ होता है। और तापमान और आर्द्रता कम होती है। शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु अस्पष्ट नहीं होती क्योंकि समुद्री पवन के प्रवाह के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। बर्फ देखिए गिरा दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु देखिए, मार्च मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में ढक्कन के पठार का उच्च तापमान मार्च में
मार्स में ढक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होता है और वायु दाब में कमी होता है। दोस्तों देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होता है और वायु दाब में कमी होता है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जलवायु देखिए, सूर्यमुखी का फूल है दोस्तों। लू देखिए, ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। दोस्तों वर्षा ऋतु देखिए, जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवने को आकर्षित करती है और यह पवने गर्म महासागरों के ऊपर होकर गुजरती है, इसलिए यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है और यह पवने बहुत तेज गति से चलती है। दोस्तों देखिए, जून के प्रारंभ में उत्तर भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवने को आकर्षित करती है। यह पवने गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है और इसलिए यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है और यह पवने बहुत तेज गति से चलती है। इस मौसम के अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खांसी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। मासिनराम में खांसी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से जुड़ी एक परिघटना है जिसे मानसून का विराम कहा जाता है। इसमें आंध्र और शुष्क दोनों अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। फिर आगे देखते हैं, जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। तथा जब अक्ष हिमालय के ऊपर चला जाता है तब मैदान में लंबे समय शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण भारी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। विभिन्न कारणों में ये गर्त उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदानों में विनाशकारी बाढ़ आती है और जान माल की हानि होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मानसून का आगमन वापसी अव्यवस्थित होती है जिसके कारण कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मानसून की वापसी दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त यों निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवने उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में बदले का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी और सुहावनी लगने लगती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर चली जाती है। यह चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करता है जिसके कारण भारी वर्षा होती है। यह बहुत ही विनाशकारी भी होता है। दोस्तों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी
वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर देखिए, पेज भी दिया गया, आप लोग मिला भी लीजिएगा अगर नहीं विश्वास होता है तो। चलिए हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो मासिंद्रा में, कहाँ पे होती है? मासिंद्रा में दोस्तों। चलिए, किस ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों। फिर से इसको पढ़िए, वीवीआई दोस्तों, किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायित्व पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों? ओरिजिनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी दोस्तों। चार, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? मानसून का आगमन दोस्तों जून के प्रारंभ में हो जाता है। कब होता है? जून के, देखिए यहाँ पे आपका बी होगा दोस्तों, जून के प्रारंभ में। चलिए पांच नंबर देखिए, भारत में शीत ऋतु की विशेषता है तो गर्म दिन ठंडी रातें दोस्तों। शीत ऋतु की विशेषता क्या है? गर्म दिन और ठंडी रातें होगी शीत ऋतु की विशेषता दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दो चलते हैं, दो में दिया उत्तर संक्षेप में देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक आपका अक्षांश हो गया, तगुनता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण दोस्तों। ये सब क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर से देखिए, अक्षांश है, तगुनता, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, उच्चावच है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में अच्छा देखिए, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु निम्नलिखित कारण है। चलिए कौन कौन कारण देखते हैं, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है दोस्तों। मानसूनी पवनों से जो है बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री के बीच रहता है दोस्तों। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की और खिसक जाती है दोस्तों। क्या बोला गया? ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर ऊंच दाब वाला क्षेत्र होता है। इस ऊंच दाब वाले क्षेत्र की स्थिति तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। किसे कहते हैं? भारतीय मानसून को दोस्तों। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर ऊंच दाब वाला क्षेत्र होता है। इस ऊंच दाब वाले क्षेत्र की स्थिति तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं को प्रभावित करती है। ये भी कारण है, एलिनो दक्षिण दोलन की घटना सक्रिय रहती है दोस्तों। तो इतना कारण है दोस्तों मानसून को बदलती है। जल यहाँ पे देखो, क्या था क्वेश्चन? मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? तो इतना कारण था दोस्तों। इसको आप एक बार फिर रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन है, इसका संक्षिप्त में आंसर है दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है तथा जहां सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है, थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री तक सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि उसी रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता भी है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है।
इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। दोस्तों चार देखिए, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है दोस्तों? मालाबार तट केरल के दक्षिण तटीय और पूर्वी तटीय भाग है, जहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण भारी वर्षा होती है। देखिए किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट केरल के दक्षिण तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग है, जहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, जेट धाराएँ क्या है और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? चलिए देखते हैं। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा महाभारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। हिमालय के दक्षिण में बहती उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि देश के उत्तर या उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षा का कारण बनती है। देश के प्रायद्वीप भाग पर पहने वाले उपोष्ण पूर्वी जेट धारा ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है, जो मानसून सहित अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। दोस्तों फिर छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। जब वर्षा में विराम आ जाता है इसमें दो अवस्थाएं होती है, एक गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है जब वर्षा होती है एक गर्त का अक्ष मैदान के क्रम में ऊपर होता है जब वर्षा होती है और दूसरा जब वर्षा रुक जाती है या तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है। तब मैदानों के समय शुष्क अवस्था रहती है। इसे ही मानसून में विराम कहते हैं। दोस्तों मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? दोस्तों विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं उच्चावच लक्षणों के कारण भारत की मौसम संबंधी परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये भिन्नताएं मानसून के कारण कम हो जाती है क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्यौहार उत्सव सभी इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। देखिए मानसून के आगमन का पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती गर्मी से राहत प्रदान करती है। मानसून वर्षा कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियां ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। ये मानसूनी पवने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियों जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई नाम दिया गया है। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून को इस सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? देखिए हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की
मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आंध्र पवन जैसे जैसे आगे आगे और आगे बढ़ते हुए देश के आंतरिक भागों में पहुंच जाती है, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। इसी के परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। कोलकाता से दिल्ली की ओर बढ़ने पर वर्षा धीरे धीरे घटती जाती है। उदाहरण के लिए कोलकाता में जहाँ 162 सेमी वर्षा होती है। वहीं वाराणसी में 160 डिग्री होती है दोस्तों, वहीं जो है वाराणसी में 160 सेमी तथा दिल्ली में 56 सेमी वर्षा होती है। दिल्ली में देखिए आके बहुत कम जाता है दोस्तों। मानसून शाखा का दबाव उसकी आर्द्रता पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। यही कारण है मानसून की इस शाखा की दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वर्षा करने की क्षमता घटती जाती है दोस्तों। कारण बताएं, चलिए कारण बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियोलिस बल के कारण होता है। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियोलिस बल के कारण होता है। उत्तर भारत उत्तर पूर्वी पवन के क्षेत्र में आता है। भारत के कौन पवन में आता है? उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है या कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों को बढ़ाती है। दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कोरियोलिस बल को फेरेल का नियम कहते हैं। कोरियोलिस बल को क्या कहते हैं? फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन को दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और विक्षेपित कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। भारत में अधिकतर जो बारिश होती है कुछ ही महीनों में होता है दोस्तों। विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। ये पवने गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रवाह में रहता है। भारत में होने वाला वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में केंद्रित है दोस्तों। तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर सर्द ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है क्योंकि वहाँ ये पवने समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। जहाँ तमिलनाडु में वर्षा कहाँ होती है देख लीजिए, समुद्र से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ आर्द्रता लाती है, इसलिए तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाला चक्रवातीय दबाव मानसून और एवं अक्टूबर नवंबर के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों
की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के अवदाबों से होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। देखिए राजस्थान गुजरात के कुछ भाग और पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश सूखा संभावित होता है, क्योंकि इनमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। पवनों पर्वतों पर आर्द्रता लिए हुए आती है, किंतु तापमान में कमी अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवनमुखी धारों पर वर्षण के रूप में खो देती है, और जब तक वे पवन विमुखी ढाल पर पहुंचती है तब वे शुष्क हो चुकी होती है। दोस्तों भारत में जलवायु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के उदाहरण सहित समझिए। क्या बोला गया, भारत की जलवायु अवस्थाओं के क्षेत्रीय भिन्नताओं के उदाहरण सहित समझाएं। चलिए देखते हैं, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान आर्द्रता और वर्षण की मौजूदा भिन्नताएं होती है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव है दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान आर्द्रता और वर्षण में भिन्नताएं होती है। उदाहरणतः गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। जबकि उसी समय देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सर्दियों की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार एवं केरल में दिन और रात तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। देखिए अंडमान व निकोबार एवं केरल में दिन व रात के तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक अन्य विभिन्नता वर्षण में है, जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, देश के शेष भागों में वर्षा होती है। मेघालय में 400 सेमी से लेकर लद्दाख तथा पश्चिम राजस्थान में वार्षिक वर्षण 10 सेमी से भी कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर के नवंबर में होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोस्तों उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा जो है सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करना। दोस्तों किसी भी क्षेत्र को वायुदाब एवं उसकी पवन उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। नेक्स्ट देखिए, वायुदाब एवं धरातलीय पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र को कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। सर्दियों में हिमालय के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, ठंडी शुष्क हवाएं इस क्षेत्र से दक्षिण में सागर के ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायुदाब प्रणाली दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत कोरियोलिस बल के कारण दाहिने और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। विषुवतीय रेखा को पार करने के बाद ये पवन दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती है।
और भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करते हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवने गर्म गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है। ये भारत के मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है। दोस्तों देखिए, जेट धाराएं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। जेट धारा जो होती है ना, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती है। हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियों एवं गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप पर बहने वाले पश्चिमी जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दाब होता है। किंतु कुछ निश्चित वर्षों में वायुदाब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी हिंद महासागर के अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब होता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। एलनीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक दो या पाँच वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलिनो से है। हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आंध्र पवने जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हुए अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ। देखिए हिमालय के दक्षिण में बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत ऋतु की अवस्था में उसकी विशेषता बतलाना है। शीत ऋतु की अवस्था उसकी विशेषता निम्नलिखित है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती है। देखिए भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंड महीने होते हैं। दोस्तों भारत के भाग में दिसंबर जनवरी के महीने में सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दोस्तों दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारापात सामान्यतः हिमालय के ऊपरी ढालों में हिमपात होता है। दोस्तों देश में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने प्रभावित होती है, क्योंकि ये पवने स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवने शिथिल तथा परिवर्तन होती है। देखिए शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्प्रवाह विशेष लक्षण है। कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी
पवनों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदान में वर्षा होती है, तब पर्वतों पर हिमपात होता है। पर्वतों पर क्या होता है? हिमपात होता है। यदि शीतकाल में वर्षा कम होती, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शीतकाल में वर्षा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय तौर पर इस वर्षा को महावट कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री प्रभावों के कारण शीत ऋतु में स्पष्ट नहीं होता। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में होने वाली मानसून वर्षा की उसकी विशेषताएं बतलाना। देखिए, भारत में वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा 118 सेंटीमीटर के लगभग होती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा है उसकी विशेषता बताएं। तो देखिए, भारत में वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा 118 सेंटीमीटर के लगभग है। यह समस्त वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा प्राप्त होती है। इस मानसून वर्षा की विशेषताएं इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। भारत में मानसून की अवधि जून से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक होती है। इसकी औसत अवधि 100 से 120 दिन तक होती है। मानसून के आगमन के साथ सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। यह वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। आर्द्रता युक्त पवनों के जोरदार गरज और चमक के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। मानसून में आई शुष्क अवधियाँ होती है, जिन्हें वर्षण में विराम कहा जाता है। मानसून में आई शुष्क अवधियाँ को वर्षण में विराम कहा जाता है। वार्षिक वर्षा में प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है। यदि यह कुछ पवन विमुखी ढलानों एवं मरुस्थल को छोड़कर भारत के शेष क्षेत्र में पानी उपलब्ध करती है वर्षा का वितरण भारतीय भूदृश्य में अत्यधिक असमान है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाटों की पवनमुखी धारों पर भारी वर्षा होती है, अर्थात 250 सेमी से अधिक। दक्कन के पठारों के वृष्टि छाया क्षेत्रों एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तथा लेह में बहुत कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। उष्णकटिबंधीय दबाव की आवृत्ति एवं प्रबलता मानसून वर्षण की मात्रा एवं अवधि को निर्धारित करता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मानसून सितंबर के प्रारंभ में वापसी शुरू कर देती है। अक्टूबर के मध्य तक यह देश के उत्तरी हिस्सों से पूरी तरह लौट जाती है और दिसंबर तक शेष भारत से भी मानसून लौट जाता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के कारण भी जाना जाता है। जहां एक ओर यह देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला देता है, वहीं दूसरी ओर यह देश के कुछ हिस्सों में सूखे का कारण बन जाता है। भारत में मानसूनी वर्षा का प्रभाव निम्न रूपों में देखा जा सकता है। देखिए, मानसून भारत को एक विशिष्ट जलवायु पैटर्न उपलब्ध कराती है। इसलिए विशाल क्षेत्रीय भिन्नताओं की उपस्थिति के बावजूद मानसून देश और इसके लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाला प्रभाव डालता है। भारतीय कृषि मुख्यतः रूप से मानसून से प्राप्त पानी पर निर्भर है। देरी से कम या अधिक मात्रा में वर्षा का फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वर्षा के असमान वितरण के कारण देश में कुछ सूखा संभावित क्षेत्र है, जबकि कुछ बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। वो अध्याय 5 है, प्राकृतिक एवं वनस्पति और वन प्राणी। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी हम लोग अध्याय 5 चैप्टर देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है तो प्राकृतिक वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाता है। फिर देखते देशज वनस्पति, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं।
विदेशज वनस्पति, देखिए जो पौधा भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। बायो, देखिए भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होता है उसे बायोम कहते हैं। भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ी परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होता है उसे बायोम कहलाता है। दोस्तों वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता, देखिए वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के कारण सारे कारण है जो निम्नलिखित हैं। भूभाग है, मृदा है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षण है। देखिए भूभाग, देखिए दोस्तों भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा उबड़ खबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान हैं। उबड़ खबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान है जहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं। मृदा, देखिए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार के ही वनस्पति का आधार होती है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पनपाती वन पाए जाते हैं। देखिए तापमान हो गया हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में बदलती है। सूर्य का प्रकाश, के प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। प्रकाश जो अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग वर्षण, देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन को हम लोग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। वनों के लाभ, देखिए वर्षा लाने में सहायक होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खाद की प्राप्ति, बाढ़ एवं भूमि कटाव की रोकथाम, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल, जलवायु को सामान्य बनाना, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, ईंधन धनों के लिए सहायक, औषधि की प्राप्ति। इतना है दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लीजिए। वनों के लाभ में वर्षा में सहायक, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खाद की प्राप्ति, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल, जलवायु को समान बनाना, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, ईंधन धंधों के लिए सहायक, औषधि की प्राप्ति। चलिए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां देखिए। हमारे देश भारत के विश्व में 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दोस्तों हमारे देश भारत विश्व में मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दोस्तों देखिए लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर। दोस्तों एशिया के देशों में कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर है एशिया के देशों में। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश के विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों के 6% है। विश्व में फूलों के प्रतिशत कितना? 6% है। दोस्तों इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न, शैवाल, एलगी जिसे बोलते हैं, कवक जिसे फंजाई बोलते हैं भी पाए जाते हैं। देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न, शैवाल, एलगी तक कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। 90,000 जातियों के जानवर एवं विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। वनस्पति के प्रकार देखिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। दोस्तों
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन जिसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दोस्तों पर्णपाती वन और कटीले वन झाड़ियाँ वन होगी और पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। दोस्तों देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। दोस्तों देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं, चलिए देखते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। दोस्तों ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग में और तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। चलिए ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आंध्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पेड़ झाड़ियाँ और लताएँ। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने के कारण कोई समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आंध्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पेड़ झाड़ियाँ लताएँ। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता, इसलिए ये वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आबुनिस, मोहोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। तो इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, आबुनिस, मोहोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हाथी हो गया, बंदर हो गया, लंगूर, एक सिंह वाले गेंडा, लेमूर और हिरन है। दोस्तों इन वनों में पाए जाते हैं। चलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ये वन कहाँ पाए जाते हैं, 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, वहीं पाए जाते हैं। तो इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इन वनों को दो भागों में बांटा गया है, एक आंध्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों देखिए आंध्र पर्णपाती वन हो गया। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ये आंध्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, देखिए आपका हिमालय के गिरिपद झारखंड आता है और पश्चिमी उड़ीसा दोस्तों और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ सागोनोई वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस हो गया, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे देखिए पेड़ हो गया आपका सागौन, पीपल, नीम, इसमें कौन सा पेड़ पाए जाते हैं, सागौन हो गया, एमपी में पाया जाता है दोस्तों, पीपल,
नीम। दोस्तों प्रमुख जानवर देखिए शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, सांप, कछुए आदि होते हैं। दोस्तों कटीले वन एवं झाड़ियां देखिए जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां कटीले और झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है जैसे जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र। दोस्तों आकाशिया यानी खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप वनस्पतियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में फैली हुई होती है। दोस्तों पत्तियाँ का आकार काफ़ी छोटा होता है। इन जगहों पर चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। दोस्तों पर्वतीय वन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ जैसे चीड़ हो गया, देवदार, सिल्वर फर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिणी ढाल दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ जैसे चीड़, देवदार और सिल्वर फर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की दक्षिणी ढाल दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तक घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। दोस्तों घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, वर्च मुख्य पेड़। दोस्तों सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, वर्च मुख्य पेड़ है इसका। दोस्तों जैसे जैसे हिमरेखा के पास पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं और अंत में ये झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदान में मिल जाते हैं। गुज्जर तथा बकरवाल द्वारा इनका प्रयोग पशु चारण के लिए किया जाता है। इन वनों में कश्मीरी महामृग चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, रीझ, लाल पांडा, बकरी पाई जाती है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैग्रोव वन देखिए यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाए जाते हैं। दोस्तों ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी मिलती है जैसे नारियल, ताड़, क्योटा, क्योरा, एंगार के पेड़ भी यहीं से पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। दोस्तों इसके अलावा मगरमच्छ है, कछुए, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों वन्य प्राणी देखिए भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर हैं। और विभिन्न प्रकार के मछलियों ताजे समुद्री पानी में पाए जाते हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की
2546 प्रजातियां पाई जाती है। कितने दोस्तों मछलियों की प्रजाति पाई जाती है? तो 2546 प्रजातियां दोस्तों। देखिए शेर है, बाघ है, बारहसिंगा है, हिरन है, सबको देखिए। भारत में वन्य जीव का वितरण, देखिए भारत में वन्य जीवों का वितरण। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जानवरों में हाथी जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आंध्र वनों में पाए जाते हैं। एक सिंह वाले गेंडे तथा और भी जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण और थार मरुस्थल में जंगली गधों और ऊंट पाए जाते हैं दोस्तों। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। देखिए भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है दोस्तों। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात में गिर जंगल में है दोस्तों। प्राकृतिक स्थल गुजरात गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ दोस्तों बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। बर्फीली ऊंचाइयों में क्या पाए जाते हैं? याक दोस्तों। तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पाना भी पाया जाता है। नदियों और झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है दोस्तों। घड़ियाल जो है मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर है दोस्तों। वन्य प्राणी को संकट देखिए, मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी है। 1300 पादप प्रजातियां जो है संकट में आ चुकी है। 20 प्रजातियों को का तो विनाश हो चुका है। वन्य प्राणी का बचाव देखिए, अपने देश की पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। देश के 18 जीव मंडल निश्चित स्थापित किए गए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानक कुमार अमरकंटक में है दोस्तों। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण और भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वन्य प्राणी अभय वन हैं और बहुत सारे चिड़िया राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखिए, अब पेज नंबर 53 में हम लोग आ गए हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है दोस्तों? तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से रबर का संबंध दोस्तों। किस प्रकार की वनस्पति से रबर का? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से दोस्तों। चलिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गया। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये 100 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उस सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेमी से कम वर्षा वाले दोस्तों। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये सिमलीपाल जीव मंडल जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में।
चलिए, भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल के निश्चय के लिए है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग, ये नंदा देवी है दोस्तों। कौन सा है? नंदा देवी। क्या बोला गया? भारत में, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो नंदा देवी दोस्तों। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। भारत में पादपों तथा जीवों के वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? भारत में पादपों एवं जीवों के वितरण को निर्धारित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं: जलवायु, मृदा, उच्चावच, अपवाह, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा। दोस्तों भारत के पादपों एवं जीवों के वितरण को निर्धारित करते हैं कौन कौन है? जलवायु है, मृदा है, उच्चावच है, अपवाह, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो देखिए, जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दो। जीव मंडल निश्चय जैव विविधता की सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए स्थापित क्षेत्रों को जीव मंडल निश्चय कहते हैं। एक संरक्षित जीव मंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इनकी जैविक विभिन्नता संरक्षित की जाती है अपितु इसके संसाधनों का भी प्रयोग स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है, जैसे नीलगिरी सुंदरवन। फिर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लंगूर, बंदर, हाथी दोस्तों, पर्णपाती वनस्पति, घने बालों वाले भेड़, लाल पांडा, आइवेक्स पर्णपाती वनस्पति में ऐसे पाए जाते हैं। कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और अपरिवर्तनीय वनस्पति में मिलते हैं। कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। देखिए उत्तर है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी और बाघ मिलते हैं, पर्वतीय वनस्पति हिम तेंदुआ और चित्रा हिरण है दोस्तों। पर्वतीय वनस्पति में कौन है? हिम तेंदुआ और चित्रा हिरण दोस्तों। प्रश्न तीन देखिए, वनस्पति जगत प्राणी जगत में अंतर कीजिए दोस्तों। देखिए वनस्पति जगत प्राणी जगत के अंतर क्या क्या है? भोजन की आदत के आधार पर प्राणियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव दोस्तों। अब पौधों के दो वर्गों फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले पौधों के रूप में बांटा गया वनस्पति जगत में दोस्तों। देखिए आपका प्राणी जगत में है, कुछ वन्य प्राणी विलुप्त होने की स्थिति में है, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इधर देखिए वनस्पति जगत में क्या है, हमारे देश के विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है, हमारे देश में विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर ध्रुवीय वनस्पति तक के दर्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय व्हेल तथा हाथी जीवों की श्रेणी प्राणी जगत कहलाती है। किसी प्रदेश या क्षेत्र में स्वतः ही पैदा होने वाले हरित स्वरूप को वनस्पति जगत कहते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट देखिए, प्राणियों को तीन वर्गों में बांटा गया है, थलचर, जलचर, नवचर। प्राणियों को कितने वर्गों में बांटा गया? तीन वर्गों दोस्तों, थलचर, जलचर, नवचर। अब प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, झाड़ियों तथा घास भूमियों को शामिल किया गया। प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, झाड़ियों तथा घास भूमियों में शामिल किया गया है। हमारे देश के प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है, लगभग 89,000 जातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। लगभग कितने दोस्तों? 89,000 जातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में पौधे की सैंतालीस हजार प्रकार की जातियां पाई जाती है, वनस्पति जातियां दोस्तों, 47,000 वनस्पति जातियां पाई जाती हैं। देखिए नेक्स्ट, 2500 जातियों की मछलियां और 2000 जातियों पक्षियों के पाए जाती है इंडिया दोस्तों, प्राणी जगत में। और पौधे की 5000 जातियों तो ऐसी है जो केवल भारत में पाई जाती है दोस्तों, पौधे की 5000 जातियां जो ऐसी है जो केवल भारत में पाई जाती है। चलिए सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर क्या है देखते हैं हम लोग। पर्णपाती वन, सदाबहार वन दोस्तों, चलिए इधर है आपका पर्णपाती और इधर सदाबहार वन दोस्तों। चलिए, इन वनों में बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए पाए जाते हैं दोस्तों। ये सब प्राणी प
पर्णपाती वन का उदाहरण है। ये पर्णपाती है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं पर्णपाती, इधर सदाबहार वनस्पति दोस्तों, सदाबहार वन दोस्तों। चलिए पर्णपाती में है, इन वनों में बहुत से पक्षी छिपली सांप कछुए पाए जाते हैं। इन वनों में बहुत से पक्षी चमगादड़ बिच्छू घोंघे आदि पाए जाते हैं सदाबहार वन दोस्तों। इनमें क्या पाए जाते हैं? चमगादड़ बिच्छू और घोंघे दोस्तों। इसमें पक्षी छिपकली सांप कछुए आदि पाए जाते हैं पर्णपाती दोस्तों। ये वन भारत में पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालय के पास की पहाड़ियों झारखंड पश्चिमी उड़ीसा छत्तीसगढ़ पूर्वी घाट के पूरी ढलानों और मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाए जाते हैं दोस्तों। ये प्राणी पर्णपाती वन का उदाहरण है दोस्तों। इधर देखिए सदाबहार वन में, ये वन पश्चिमी घाट के ढलानों लक्षद्वीप अंडमान निकोबार असम के ऊपरी भागों तटीय तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में? उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं दोस्तों। ये सदाबहार वन है। चलिए इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सागौन बांस साल शीशम चंदन खैर नीम आदि है दोस्तों। ये पर्णपाती वन है। इन वनों में ये सदाबहार वन, इन वनों में प्राय पाए जाने वाले वृक्षों में आबुनूस सदाबहार में आबुनूस महोगनी और रोजबुड है दोस्तों। कौन कौन है? आबुनूस महोगनी रोजबुड दोस्तों। देखिए फिर नेक्स्ट पर्णपाती वन में देखिए, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेमी के बीच होती है। 70 से 200 सेमी के बीच दोस्तों, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी या इससे अधिक होती है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है ये सदाबहार वन है दोस्तों 200 सेमी से अधिक पा होती है। इन वनों में पर्णपाती वन दोस्तों, इन वनों में पौधे अपने पत्ते शुष्क गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं पर्णपाती वन में दोस्तों। कितने के सप्ताह के लिए? 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। और सदाबहार वन देखिए, इन पौधों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीने में गिराते हैं। वर्ष के इन सदाबहार वन में दोस्तों, इन वनों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ है दोस्तों। पर्णपाती वन में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? शेर और बाघ दोस्तों। और सदाबहार वन में इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में हाथिया बंदर लेमूर सिंह वाले गैंडे और हिरण है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 4, भारत के विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति के ब्यौरा देखिए। भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति इस प्रकार है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन दोस्तों। ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ का उदाहरण है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग उच्च प्रदेशों की वनस्पतियाँ देखिए। उच्च प्रदेशों की दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है दोस्तों। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आई शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है दोस्तों। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ हो गया आपका, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस सीडर आदि पाए जाते हैं। 1500 से 3000 ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ देवदार सिल्वर फर स्प्रूस सीडर आदि पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिण ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है दोस्तों। क्या बोला गया है? प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर और जूनिपर और पाइन
पाइन वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है दोस्तों। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन वर्च सब अल्पाइन वन के उदाहरण है। देखिए प्रश्न 5, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप वनस्पतियां, पादप प्रजातियां संकर ग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। देखिए भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकर ग्रस्त है क्योंकि लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना दोस्तों। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजाति का प्रवेश और कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, जनसंख्या की में लगातार वृद्धि। नेक्स्ट के क्वेश्चन 6, भारत में वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर घनी क्यों है? भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर घनी क्यों है दोस्तों? देखिए भारत में लगभग प्रकृति की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल, पठार, सागरीय तट, सदानीरा नदियाँ, द्वीप एवं मीठे खारे पानी झील, ये सभी कारक भारत में वनस्पति जगत के प्राणी जगत की वृद्धि एवं विकास के लिए और जैविक विविधता के लिए अनुकूल है दोस्तों। विश्व की कुल जैव विविधता का 12% भारत में पाया जाता है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है दोस्तों। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न हो गया, सेवाल हो गया जिसे एल्गी बोलते हैं, कवक जिसे फंजाई भी वो कहते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा ताजे और समुद्री पानी की विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मृदा, आर्द्रता और तापमान के अत्यधिक भिन्नता के साथ साथ अलग अलग प्रकार की वातावरण पाया जाता है। पूरे देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार की वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ एवं विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए होती है। देखिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार के वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ एवं विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए होती है, इसलिए भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर भूगोल का अध्याय 6 या 9 का दोस्तों जनसंख्या, अब आपका 9 का चैप्टर कंप्लीट होने वाला दोस्तों। चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। जनसंख्या देखिए एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है दोस्तों। आधिकारिक गणना क्या कहलाता है? जनगणना दोस्तों। भारत की जनगणना देखिए, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जाती है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है दोस्तों। भारत की कुल जनसंख्या देखिए 2011 की जनगणना के, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है दोस्तों। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% दोस्तों 2011 के आंकड़े के हिसाब से। सबसे अधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ कुल आबादी का 19,92,00,000 है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़, मानिए उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों, जहाँ कुल आबादी 6,76,088 है दोस्तों। भारत 6,07,688 दोस्तों। भारत की आधी आबादी वाला राज्य देखिए, भारत की लगभग आधी आबादी वाले राज्यों में निवास करती है ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश दोस्तों। जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या में जनसंख्या घनत्व दोस्तों। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या में जनघनत्व कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व देखिए, 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है था, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति
प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका उस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल दिया गया दोस्तों, लेकिन ये गलत होना चाहिए क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है दोस्तों। देखिए यहाँ दिया गया बिहार जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश 17 यहाँ दिया गया अधिक जनसंख्या वाला में पश्चिम बंगाल एनसीईआरटी में दिया गया दोस्तों जनसंख्या घनत्व 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे सबसे कम जनसंख्या वाला जनघनत्व दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में प्रत्येक 10 वर्षों के भीतर किसी देश में राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा हो गया प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में वृद्धि। दोस्तों निरपेक्ष वृद्धि देखिए, निरपेक्ष वृद्धि क्या होता है? प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम पहले ही जनसंख्या 2001 की जनगणना के बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निक्षेप जनसंख्या निक्षेप वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों वार्षिक वृद्धि देखिए, प्रति वर्ष दो प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी भी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। दोस्तों जन्म दर देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है, मृत्यु दर से अधिक भारत में क्या है? जन्म दर। दोस्तों मृत्यु दर देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या मृत्यु दर कहते हैं। दोस्तों प्रवास देखिए, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। भारत में अधिकतर प्रवास गांव से शहर की तरफ होता है क्योंकि शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य इन लोगों को आकर्षित करते हैं। बेहतर रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन लोगों को आकर्षित करते भारत में प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आयु संरचना देखिए, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को दर्शाता है। बच्चे 15 वर्षों से कम ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, इन्हें केवल भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना जरूरत होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यही देश की संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। दोस्तों कैसा वर्ग है? कार्यशील वर्ग। वृद्ध देखिए, 59 वर्ष से अधिक ये अधिकतर समूह उत्पादन नहीं होते हैं। ये कार्यशील तथा अवकाश प्राप्त होने हो सकते हैं। ये अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। दोस्तों लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 284 है, दिल्ली में 866 है। दोस्तों साक्षर देखिए, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक हो तथा किसी भी भाषा में समझ कर लिख या पढ़ सकता उसे साक्षर कहते हैं। भारत की साक्षरता के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.08% है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता 74.08% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता 65.46%। कितना? 65.46%। दोस्तों भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 93.9%। दोस्तों अब भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आपका बिहार है, 63.82%। दोस्तों व्यावसायिक संरचना देखिए, विभिन्न व्यवसायों को
करने के लिए देश में विभिन्न भिन्न भिन्न लोग होते हैं, इन व्यवसायों को बांटा गया है। प्राथमिक देखिए खेती हो गया, पशुपालन खनन हो गया, और द्वितीयक में उद्योग धंधे हो गए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तृतीयक देखिए परिवहन संचार। वर्तमान समय तृतीयक प्रथम तृतीयक और तृतीयक व्यवसाय बढ़ने लगते हैं, तृतीयक व्यवसाय बढ़ने लगे तथा अधिकांश विकसित देशों में यही व्यवसाय सर्वाधिक लोगों द्वारा किए जाते हैं। जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्राथमिक कार्य करने वाले लोग की संख्या अधिक है, प्राथमिक कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना एक महत्वपूर्ण घटक है, यह विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है दोस्तों। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों द्वारा भारत की जनसंख्या का स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है तथा मृत्यु दर में कमी आई है। किशोर जनसंख्या देखिए, भारत की जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या दोस्तों। किशोर 10 से 19 आयु वर्ग के होते हैं, ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। किशोरों का पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों के अधिक होती है, लेकिन भारत में बहुत से किशोरों बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 में 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, परिवार नियोजन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोरों के लिए क्या है, इसके अनुसार किशोरों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की गई जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं, और एक शिक्षित स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब सोल्यूशन देते हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन देखिए। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में होता है। किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में किसका परिणाम है दोस्तों, तो उच्च जन्म दर का दोस्तों। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात इसका परिणाम है उच्च जन्म दर का दोस्तों। कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि परिणाम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है जो जिससे जिसकी उम्र 7 वर्ष था, वह किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, उसे हम साक्षर व्यक्ति समझते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संक्षेप में उत्तर देना, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास है दोस्तों। देखिए जन्म दर बर्थ रेट, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या या जनसंख्या के आकार और घनत्व दोनों में वृद्धि करती है। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। मृत्यु दर देखिए, यह एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों के मृतकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या के आकार घनत्व दोनों में कमी ला देता है। यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी पाई जाएगी दोस्तों। प्रवास देखिए, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं, माइग्रेशन दोस्तों, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों में जनसंख्यिकी आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देश के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है दोस्तों। 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है दोस्तों, उच्च जन्म दर
न्यून मृत्यु दर दोस्तों परवर्षण दोस्तों क्या बोला गया कि 1981 में भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर में क्यों घट रही है, तो कारण क्या दिया गया, उच्च जन्म दर था, निम्न मृत्यु दर और परवर्षण दोस्तों। आयु संरचना और जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। आयु संरचना किसी देश की जनसंख्या के आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं में एक है। जन्म दर एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर एक वर्ष में अधिक एक वर्ष की अवधि में 1000 लोगों पर मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। देखिए लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसंख्यिकी आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता लेकिन देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित जरूर करता है दोस्तों। प्रवास जनसंख्या के गठन और वितरण में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण पुष कारक प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएँ तथा नगर का कर्षण पूर्व प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाते हैं। 1951 में शहरी जनसंख्या 17.29% थी, आज वह 1 से बढ़कर 27.1% हो गई दोस्तों। 1991 से 2001 के बीच या एक दशक में के दौरान 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर 23 और बढ़कर अब 35 हो गई है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि के तात्पर्य किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन आशय किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या वितरण संरचना आकार में परिवर्तन उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इनमें पिछली जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं के आपसी संयोजन के कारण आता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। जनसंख्या परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं से आता है। देखिए वृद्धि को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है और जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा देखा जाता है। चलिए देखिए व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच एक संबंध दोस्तों। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसायों को प्रायः प्राथमिक कृषि, खनन और मछली पालन आदि, द्वितीयक उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य, तृतीयक देखिए परिवहन हो गया, संचार और वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों के अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से 20% का है। कितना? 13 से 20% का। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या कैसी लाभकारी है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक परिसंपत्ति होती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादनशील तथा दक्ष होता है। वह अपने सामर्थ्य को क्रियान्वित कर सकती है, समाज एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार 25 थी, 2001 में घटाकर प्रति हजार 8.1 रह गई है। जीवन प्रत्याशा जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़ाकर 2001 में 64.6% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य विशेषताएं क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004 में घोषित की गई, इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। किशोर किशोरियों की असुरक्षित यौन संबंधों को कुप्रभावों और कुपरिणामों के बारे में जागरूक करना, गर्भ निरोधक सेवाओं के को पहुंच और खरीद के दायरे के भीतर रखना, खाद्य संपूरक को पोषणिक सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकने के कानून को अधिक कारगर बनाना, शिक्षा स्वास्थ्य की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, किशोर और किशोरियों की पहचान, किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में करें जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इनकी पोषणिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें, इनकी पोषणिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें। अवांछित गर्भधारण तथा यौन संबंधों से होने वाले बीमारियों से किशोरों और किशोरियों की सुरक्षा करना, अवांछित गर्भधारण तथा यौन संबंधों से होने वाले बीमारियों से किशोरों किशोरियों की सुरक्षा करना, किशोरों और किशोरियों के अन्य आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान देना, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों आपका नंबर का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों को आप रिविजन करते रहिए, लगभग क्वेश्चन इसी से फंसने का उम्मीद होगा। 9 और 10th का ज्योग्राफी से दोस्तों, 10th का अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग इन दोनों वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके देखिए, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।